चाहता हूँ, प्लीज बचा दो इसे। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया इसे। गाड़ी तो वो कहाँ रह गया? जरूर कोई आया था। माही, हमारे घर में काम्या को कोई क्यों डराएगा? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन शब, जब मैं पानी लेने जा रही थी तब मैंने भी किसी को देखा था, कोई था वहां पर। कौन था? वो मैं नहीं जानती, पर था कोई। अरे डैड, कोई नहीं था, ये सब माही का वहम है और कुछ नहीं। शब, माही को अपने कमरे में ले जाओ। चलो माही। लवली के कहने पर सही बावर्चियों के इंटरव्यू के लिए इतने सारे लेटर आ गए। इसका मतलब है लवली से भी ज्यादा शहर में उसका नाम मशहूर मशहूर है। ऑफ कोर्स। बावर्ची की तलाश हो रही है बुआ। तू भी बैठ, सारे एप्लीकेशन देख, सही सही छांटने हैं, फिर उनकी मैं इंटरव्यू लूंगी। है, चलो लवली बुआ शुरू करते हैं। हाँ, चल चल। पहला एप्लीकेशन है, इसका नाम है श्रीमंत गुरुमंत हनुमंत श्रीदेश्वर प्रसाद कृष्ण नमः। और जैक क्यों? हाँ है, इसे तो बुलाने में खाने का टाइम शाम निकल जाएगा। नेक्स्ट। भाई आपका नंबर। लिखा है डियर आंटी। और दो रुपए टाइम हो देखे बगैर ही मुझे आंटी शांटी कह रहा है। नेक्स्ट। वाह, इसने अपना फोटो भेजा। फोटो
हाय हाय, ये तो किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट। हाय, आपका नंबर। बुआ, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस देख लेना चाहिए। एक्सपीरियंस का क्या करना है, सब कुछ तो मैंने ही सिखाना है। बस तुम लोग ये देखो कि गुड लुकिंग किस पर लिखा है। जो भी अच्छे अच्छे होंगे ना, सबको बुला लो, मैं सबकी इंटरव्यू लूंगी। आप बावर्ची ढूंढ रही हैं या दूल्हा? मेरा मतलब है, जिस तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है ना, लगता है कि आप दूल्हा ही ढूंढ रही हो। कहीं किसी बावर्ची से शादी करने का इरादा तो नहीं है ना? हाँ मम्मा, कितना मजा आएगा ना अगर मेरे फूफा जी बावर्ची हो तो। मुझे इससे कोई फर्क शर्क नहीं पड़ता कि मेरा दूल्हा बावर्ची हो। बस मेरी तो एक ही शर्त है कि मेरा दूल्हा मुझे मायके में ना रखे। पासपोर्ट्स तुम अपने पास रख लो। शब, काम्या दीदी को इस हाल में छोड़कर मुझे नहीं लगता मैं इस एड की शूट के लिए आ पाऊं। और अगर मैं आ भी गई तो मेरे मन में उन्हीं की चिंता लगी रहेगी। मैं और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। बेहतर यही होगा कि मैं नहीं आऊं। भाई, काम्या की जो हालत है मैं उसे अच्छी तरह से वाकिफ हूं। फिलहाल उसका जो हाल है ना, उसे तुम्हारी नहीं डॉक्टर्स की जरूरत है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी माही। हाँ, तुम्हारे जाने या ना जाने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शब, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। कामे की चिंता मत करो माही। यह हमारी कंपनी और शब्द के लिए बहुत बड़ा एड कैंपेन है, और इस कैंपेन में कामे से ज्यादा शब्द को तुम्हारी जरूरत है। ऑलरेडी कैंपेन बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें अपने चलने की पूरी तैयारी करनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। पर डैडी जी, उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत। माही, क्या तुम अपने पति की खुशियों में शामिल नहीं होना चाहोगी? मौके बार बार नहीं आते माही, तुम्हें अपने चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ जी डैडी जी। शब्द, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक्स। डू वेल। डैड का कहना मान गई तुम? मेरा तो कहना कभी नहीं मानती। एटलीस्ट मेरे कहने पर इस खूबसूरत से चेहरे पर एक स्माइल तो आ जाएगी। अच्छा, जाने से पहले सोनी को फोन कर लेना, ठीक है? तुम उसे एक बार मिल लोगी ना तो तुम्हारा भी मूड अच्छा रहेगा और मेरा भी। कर रही हो माही? सच कहूं तो अब और इंतजार नहीं होता। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ फातलों के बीच होना चाहता हूं। आई मीन, आई वांट टू बी ऑन द फ्लाइट विद यू, फ्लाइंग स्ट्रेट टू आवर हनीमून। वेल, आवर सो कॉल्ड हनीमून, जहां सिर्फ मैं और तुम।
तुम और मैं और तुम बी वंडरफुल। जाने की तैयारियां हो रही हैं। सोनी, अरे सोनी अंदर आइए ना, साली जी अंदर आइए, तुम दोनों बैठ के बातें कर, मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ काम है। शब्द शब्द माही का ख्याल रखना, वो क्या है ना, घर से इतनी दूर माही आज तक कभी भी नहीं गई है, और मेरे पास माही के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी छोटी बहन ही मेरा मायका है। सोनी, सिर्फ माही ही नहीं, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑल्सो योर फैमिली। और जहाँ तक माही का सवाल, माही मेरी जिंदगी है, और मैं अपनी जिंदगी का खास ख्याल रखता हूँ। मैं ऑफिस में कुछ काम छोड़ के आया, आई जस्ट फिनिश्ड इनका। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। देखो माही, तुम्हारे लिए वो जगह बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए प्लीज अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, और हाँ रास्ते में खाने के लिए घर से ही कुछ चीजें ले जाना। हो सकता है वहां पे बहुत ठंड हो, इसीलिए गर्म कपड़े भी अपने साथ रखना, और देखो अकेले कहीं मत जाना, शब्द के साथ ही रहना। ऐसी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बिल्कुल मम्मी जी की तरह बातें करने लगी। माही, अब मैं तेरे लिए तेरी माँ की तरह ही हूं ना। तुमने जो कुछ भी कहा है, मैं उन सारी बातों का ख्याल रखूंगी, ठीक है? और हाँ, वहां पहुंचते ही फोन कर देना, अपना और शब का पूरा ख्याल रखना, कहीं बाहर ज्यादा घूमना मत, और मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ, यही ना। अम्मा, अब आप सोनी को इस घर से कैसे निकालोगे? अब तो जीत भी उसके साथ हो गया है। तू भूल रही है पुत्र, मेरा एक और बेटा है, और वो ऐसा नहीं होने देगा। अम्मा, आपको नहीं लगता कि आप वीर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं? मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अगर मेरे बेटे मुझसे ज्यादा होशियारी करेंगे तो मैं भी उनकी माँ हूं। कब बेटा, इस एड कैंपेन में अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ना। Give your best shot, huh? I'll do my best. सब यहां की तुम कोई चिंता मत करना। हाँ, आई थिंक यू आर गेटिंग लेट, चलो फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो। कम माय, कम, लेट्स गो। देर हो रही है बेटा, माही।
किस सोच में डूबे हो मम्मा? सोच लिया? क्या सोच लिया है अपने? जीते जी मामा। बड़ी जल्दी में है पुत्र, कहीं जा रहा है? मामा मैं गर्मा गर्म जलेबियां लाया सोनी के लिए। सोनी को पसंद है ना? हाय जलेबियां, मार जा गुड़ खाकी, मुझे जलेबियां श्लेबियां बहुत पसंद है। बुआ जी आपके लिए भी है। अच्छा, पर चाय जी आप ज्योति के लिए नहीं लाया? नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाती, डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज है ना, और मैं तो डाइटिंग पे हूँ। सुन पुत्र, जलेबियां लेके ना जल्दी वापस आई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मामा, मैं अभी आता हूँ। आपने नहीं जाना जलेबियां खाने? मैं बाद में खाऊंगी भरजाई जी, मुझे ना गर्मा गर्म जलेबियां ठंडी शंडी करके खाने में बहुत मजा आता है। क्या बात है भरजाई जी, कुछ परेशान वरशान लग रहे हो? बताइए। जीते बैठ पुत्र। बोलिए मामा, क्या बात है? आप कह रही थी कि कोई जरूरी बात है। पुत्र वो बोलिए ना भरजाई जी, यहाँ सब कार शार के ही बनते। पुत्र वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अब क्या है ना कि तेरे पापा जी भी इधर नहीं है, और फिर फैसला भी मैंने ही लेना है। कैसा फैसला मामा? मैंने सोचा था कि वीर ये काम कर देगा, पर अब वीर भी ना अपने केस में बिजी है ना। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि किसे भेजूं, किसे कहूं। मामा बात क्या है? वो क्या है ना, हमारे एक पुराने क्लाइंट हैं, गोवा में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी एक पुरानी गारमेंट फैक्ट्री को दोबारा शुरू कर दें, पर इसके लिए किसी को तो वहां जाके बात करनी होगी ना पुत्र। वैसे वो नई मशीनें लगाने को तैयार है, पर क्या है उन मशीनों की ट्रेनिंग तो लेनी होगी ना पुत्र। तेरे पापा जी इसी फैक्ट्री को ना दोबारा शुरू करने का कई बार सपना देख चुके हैं। मुझे लगता है इस बार भी उस सपने ने टूट ही जाना है। मम्मा अब ऐसा क्यों कह रही है? तो क्या करूं पुत्र, टाइम भी तो दो ही दिन का रह गया है ना, किसे भेजूं? कमाल है परजाई जी, बस इतनी सी बात, लो जी मैं चली जाती हूँ, सब मामला फिट शिट करके आऊंगी। तुम तो फिर आप चले जाओ परजाई जी। मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डायबिटीज है ना। डोंट वरी मामा, आपने पहली बार जिम्मेदारी डिस्कस की है मेरे साथ, मैं चला जाता हूँ। हाय तू चला जाएगा तो हमारे लिए जलेबियां श्लेबियां कौन लाएगा? ओ माय लवली बुआ, जलेबी वाले का नंबर मैं आपको देकर जाऊंगा। बस पुत्र तू सब संभाल लेगा ना? मामा आप बेफिक्र रहिए मामा, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। मां सत के चल पहले इकट्ठे बैठ के जलेबियां श्लेबियां तो खा लें। सुनजीत मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। मैं भी। तो ग्रेट मम्मा, अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है, पूरा नहीं।